अरे Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them अरे मम्मी कहाँ पैसे अभी आए हैं, अभी तक तो बोले बट्टे भी नहीं हुए, कोई पेशेंट भी नहीं आया, कहाँ बैठा दिया आपने मुझे डॉक्टर के लिए? इससे तो तुम गांव में थे ना, कम से कम गोबर उठाकर उसको पले बनाकर बेच तो रहे। अरे मेरे लाल, जब आया कर तो गेट पे अगरबत्ती जलाया कर। अरे मम्मी डेली तो जलाता हूँ मैं मोमबत्ती। अरे मेरे लाल, मोमबत्ती नहीं जलानी है, अगरबत्ती जलाना है। मोमबत्ती तो इतनी महंगी है, 10 रुपए की एक आती है, और अगरबत्ती वो अपने गुलाब वाले डब्बे वाली अगरबत्ती 10 रुपए की 20 आती है, कम से कम 20 दिन तो चलती है। हाँ ठीक है मम्मी, तुम पहले ना रोटी भिजवाओ जाओ। अच्छा ठीक है बेटा, पहले तो मुझे कुछ पैसे दे दे, सब्जी लानी है मुझे कुछ। अरे मम्मी तुम ना, अच्छा मम्मी तुम जाओ रोटी भिजवाओ। ठीक है ठीक है बेटा। मम्मी कह के गई है अगरबत्ती लगाने के लिए। डॉक्टर भैया, कल मुझे फीवर था, गोली तो खाई थी पर ठीक नहीं हुआ। ठीक कहाँ से होती है, आप मुझसे दवाई लिया होता तब तक तो शादी हो जाती आपकी। उम्र शादी मतलब? शादी नहीं, सही से ठीक हो जाते अब तक आप। अच्छा मुझे तो लग रहा है ना आपको बुखार के साथ साथ कान की भी प्रॉब्लम है, तो मैं कान की भी दवाई दे देता हूँ आपको। कान की दवाई? हाँ कान की भी दवाई। ये लो आपकी दवाई। अरे यार इसमें से तो मैंने एक गोली खा ली थी। नहीं कोई बात नहीं, आपकी सुबह शाम की है। ठीक है ठीक है, मैं अब खा लेता। ले लीजिए। कितने हुए डॉक्टर साहब? आपके हो गए 100 रुपए हो गए। 100 रुपए? हाँ 50 फीवर के, 50 आपके कान के, 100 रुपए हो गए। अच्छा ठीक है 100 रुपए तो ठीक है, उसके साथ धनिया मिर्ची दे दो, वो कहाँ गया आपका? Oh, no. अरे हाँ भूल गया था रुको रुको। ठीक है इतना कम, थोड़ा सा और दीजिए। नहीं 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 इतने अरे इतने में क्या होगा भैया, थोड़ा सा और डाल दीजिए भैया। अरे ये लीजिए बस। अरे अब मत कहिए, देखिए महंगाई बहुत है, अब आप दगा दीजिए, मैं धनिया कहाँ से लाऊं, बहुत है, आप देखिए बस इतना। अरे अपना डॉक्टर वाला डायलॉग तो बोलना मैं भूल ही गया। और हाँ एक काम करना, कल एक बार और चेकअप करवा लेना, ठीक है? डॉक्टर साहब मैं कमिंग। अब स्कूल में नहीं है, आ जा क्लिनिक में। डॉक्टर साहब मुझे ना अब दवाई दे दो, क्योंकि मैं कल बीमार पड़ने वाला हूँ। वाओ ओहो, बीमार पड़ने वाले, फिर तो आपको मुझे एडवांस में सुई लगानी पड़ेगी। सुई? डॉक्टर साहब आप कौन से गांव के हो? मैं मुजफ्फरनगर से। अरे डॉक्टर साहब मैं भी तो मुजफ्फरनगर का हूँ। अरे हाँ डॉक्टर साहब सुई रहने दो। क्यों? वो क्या है ना डॉक्टर साहब, पांक
रसोई से बहुत डर लगता है हमको। ओहो, अच्छा चलो ठीक है, पर देखो सुई तो लगानी पड़ेगी ना, क्योंकि तुम एडवांस में बीमार पड़ने वाले हो। वो सब तो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन गेट मत खोलना, क्योंकि सब सुन लेंगे कि हमें डर लगता है सुई से। अच्छा चलो ठीक है ठीक है। अरे अरे लगाना पड़ेगा, हाथ मत कर। अरे हाथ रख, हाथ रख, अबे हाथ रख, ले लो ले, थोप देंगे हम। रुक डॉक्टर साहब, मेरे गाँव तो तेरी। एक मिनट, एक एक मिनट, लग गई खाना था, वो हो रहा था। मुझे भी सुई लगवानी पड़ेगी। ओह नो, ले मैं दवाई दे रहा हूँ। हाँ ये सुबह शाम की है, ठीक है। हाँ हाँ ले। अरे काम करियो। हाँ कल एक बार और दिखाना आ जाओगे तभी ठीक ना लगे तो। अरे डॉक्टर साहब, ये हर डॉक्टर यही क्यों बोलते हैं कि दोबारा आ जाओ, एक बार में 3 दिन की गोली दे दो काम खत्म, ये बोल दो क्या कहते हैं 1 साल तक मत आना। अबे हम पागल थोड़ी ना है, अपने पेट पर लात मारेंगे। अबे डेली का मुर्गा फंसा के रखना पड़ता है ताकि रोजाना की आमदनी बनी रहे, समझा। क्या फंसाना मुर्गा है, क्या बोल रहे हो यार। ये सब छोड़ो, पैसे बताओ कितने हुए। 200 रुपये हो गए। 200? पागल हो क्या? बस तमीज से बोल, पागल हो क्या? अब ठीक है। पर डॉक्टर बत्रा तो 100 रुपये लेते हैं। अबे वो 8वीं पास है और मैं 10वीं पास हूँ, समझा। तो सारी बात छोड़, तो पैसे दे मेरे। 8वीं और 10वीं मतलब? अरे तो मतलब छोड़, तो पैसे निकाल मेरे। डॉक्टर जी इधर आओ, 150 लगा लो। अरे तुम 180 लाओ यार, चलो खत्म करो। ठीक है ठीक है, ये लो डॉक्टर साहब। ठीक है हाँ। डॉक्टर खन्ना अंकल, डॉक्टर खन्ना अंकल। क्या है लड़के? अरे डॉक्टर अंकल, मेरी रील्स की वीडियो वायरल नहीं हो रही, बताओ क्या करूं मैं। अरे तू जो भी, तो पहले बैठ जा। अब वहां नहीं, यहाँ बैठ जा, यहाँ बैठ जा। अच्छा ठीक है बैठता हूँ। अब ये रील वाली बीमारी कब से पैदा हो गई इसके बारे में तो नहीं पूछा मैंने पापा से। अगर मैंने इससे कहा कि मुझे नहीं पता है तो ये पेशेंट भाग जाएगा, लगता है इससे पूछना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, रील्स वायरल कैसे नहीं हो रही? डॉक्टर किसी ने बनाया आपको? आप बताओ वायरल क्यों नहीं हो रही रील्स? अच्छा पहले ये तो बता, तू रील्स बनाता कैसे, बना के दिखा। ओके रुको, पहले अपना फोन दिखाओ मेरे को। अबे मेरा क्यों, तेरा फोन कहाँ है? फोन तो पापा ले गए, उनके फोन से रील्स बनाता हूँ। अच्छा अरे पहले अपना फोन दिखाओ। अरे यार ले तू मेरा फोन ले। अबे तो क्या कर रहा है मेरे फोन में? अरे पापा जल्दी में सुबह फोन ले गए और मेरे को स्टोरी डालना थी इंस्टाग्राम पे, एक भी स्टोरी नहीं डाली मैंने अभी तक, वही स्टोरी डाल रहा हूँ मैं। अच्छा चल तो मुझे भी लेना फिर। अच्छा बता तू कैसे बनाता है वैसे, बता। मैं ये देखो, हाँ ऐसे बनाता हूँ, देखो मैं। अच्छा देखो तुम बना के दिखाता हूँ, देखो। हाँ देखो, फोन पकड़ो देखा।
ऐसे बनाता है तू रील, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, चल बैठ जा, चल बैठ जा। हाँ तेरी रील वायरल्स कहाँ से होंगे तू ये बता ना। तेरे में अच्छी लाइटिंग है ना, तेरे में अच्छे फिल्टर हैं। देख मैं तुझे लिख के दे रहा हूँ, रातों रात सेलिब्रिटी बन जाएगा तू। सेलिब्रिटी ये क्या होता है? अरे रातों रात तेरे 1-2 लाख फॉलोवर्स आ जाएंगे, इतना बड़ा सेलिब्रिटी बन जाएगा तू। अच्छा हाँ डॉक्टर, एक वीडियो कितनी देर में बनाना होता है? अरे एक वीडियो बनाने में कम से कम 30 मिनट का वक्त लगता है। अच्छे फिल्टर यूज करना है, अच्छी लाइटिंग यूज करनी है, तब जाके बनती है, समझा? आप समझ में आया मेरे? हाँ डॉक्टर अंकल फोन दिखाना, एक रील बना के आता हूँ। यार ले जा, ले जा, बना का तू रात रात वायरल करता हूँ, जा। ठीक है। A few minutes later। यार बहुत देर हो गया इसको, भाई आया नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। 20 minutes later। One hour later। अरे कहाँ रह गया तू? 3 hours later। कहाँ रह गया यार ये? लग रहा मुझे बाहर जाके देखना पड़ेगा। अरे कहाँ गया? अबे कहाँ गया? अरे लग रहा फोन लेके भाग गया यार। अरे यार रील बनाने के चक्कर में मेरा फोन लेके भाग गया, बता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कैसे लगी आप सबको वीडियो? वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज यार लाइक कर देना, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, जो भी आपका फेवरेट पार्ट अच्छा लगा हो, फेवरेट कैरेक्टर अच्छा लगा हो, सब कुछ नीचे मेंशन कर देना। और बाकी यार वीडियो को जरूर शेयर कर देना। जैसे कि आप सबको मालूम है कि आप सबको सबसे पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अमृत का महोत्सव चल रहा है और हर घर तिरंगा, तो अपने अपने घरों में तिरंगा लगाएं, अपने अपने प्रोफाइलों में, अपने सोशल नेटवर्क में, हर जगह तिरंगा फैलाएं। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं जल्दी, और जब तक के लिए बाय बाय।